हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कैसे करें, हाउ टू स्ट्रेच योर हैमस्ट्रिंग्स कमिंग राइट अवे। शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन बटन एज वेल। और जब हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने की बात आती है तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा उठाते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने की वजह से। क्योंकि वो जो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करते हैं वो बेसिकली गलत होता है, या फिर कुछ ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, और भी बहुत सारी गलतियां होती हैं जो अभी इस वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। तो शुरू करते हैं पहले हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच से। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करें उससे पहले मैं बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता, हैमस्ट्रिंग्स जो तुम्हारे लेग के जो पीछे की मसल होती है उसे हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, और हम उसे स्ट्रेच करने की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, घुटनों पे बैठ गए, उसके बाद एक पैर आगे रखा, कमर तुम्हारी बिल्कुल सीधी रहेगी, बिल्कुल सीधी कमर, और फिर तुम्हें जो अपना लेग है इसको बस सीधा करने की कोशिश करनी है। जैसे ही तुम इसे सीधा करोगे तुम्हें अपनी टांग के नीचे स्ट्रेच महसूस होगा। इसके अंदर देखो मेरी बैक पूरी स्ट्रेट है। लोग क्या करते हैं जब ये वाला स्ट्रेच करने लगते हैं तो वो अपनी बैक मोड़ देते हैं टांग सीधी करने के चक्कर में। इसके अंदर क्या है, अगर तुम्हारी बैक मुड़ी हुई है तो तुम्हें हैमस्ट्रिंग के अंदर स्ट्रेच महसूस नहीं होगा, और दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है। फिर ज्यादा प्रेशर हो जाता है तुम्हारी बैक के ऊपर, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच हो नहीं रहा, और तुम झुके हुए हो तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो स्ट्रेच हो रहा है। झुकना नहीं है, बैक पूरी की पूरी सीधी रखनी है एट ऑल टाइम्स, और बस तुम्हें पैर ऐसे सीधा करने की कोशिश करनी है आगे। अगर इसके बाद तुम झुक पाते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है तुम्हारी इतनी, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो झुक जाओ। एज लॉन्ग एज योर बैक इज स्ट्रेट तुम आगे झुक सकते हो। फिर जो दूसरा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है, ये मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों के लिए जो कि पहले से थोड़े से फ्लेक्सिबल है। अगर तुमसे ये पिछले वाला स्ट्रेच नहीं हो रहा तो ये वाला स्ट्रेच ना करें, और जो अभी पहले जो स्ट्रेच बताया है उसकी प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे अपनी हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करें, हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं, और उसके बाद इस स्ट्रेच पे आए। तो इसके अंदर क्या है, तुम्हें अपना एक घुटना है उस पर बैठ गए, ठीक है, फिर एक पैर जो दूसरे वाला है वो साइड में रख लिया, ये घुटना यहां रखा हुआ है, दूसरा पैर मेरा सीधा है, और फिर तुम्हें बस पीछे बैठ जाना है। कमर इसके अंदर भी सीधी रहेगी हर हालत में। हो सकता है तुम्हें यहीं पे स्ट्रेच महसूस होना शुरू हो जाए, यहां पे स्ट्रेच महसूस नहीं हो रहा, हाथ आगे करो और धीरे धीरे आगे लीन हो। जब तुम लीन करोगे आगे की तरफ तो तुम्हें अपने हैमस्ट्रिंग के अंदर स्ट्रेच महसूस होने लग जाएगा। इसके अंदर भी लोग वही जो पहली वाली गलती बताई थी वही करते हैं, आगे ऐसे कमर मोड़ लेते हैं। कमर मोड़ने से स्ट्रेच बढ़ नहीं जाता, स्ट्रेच तुम्हारा होगा एज लॉन्ग एज योर बैक इज स्ट्रेट, और फिर तुम आगे की तरफ झुक रहे हो जब तुम्हारा स्ट्रेच बढ़ेगा, ना कि कमर मोड़ के आगे झुकने से। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। फिर तीसरे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच की बात आती है। तीसरा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है, उसके लिए तुम दीवार यूज कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली करना क्या है, तुम्हें लेट जाना है, फिर धीरे 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 करके अपनी टांग सीधी करने की कोशिश करनी है, फिर दूसरी टांग सीधी करने की कोशिश करनी है। बैक इसमें हर टाइम जमीन के ऊपर टच रहेगी, और फिर अगर तुम चाहो तो अपनी टांगे ऐसे खोल भी सकते हो, और ग्रेविटी तुम्हारे इनर थाइस को स्ट्रेच करने में भी हेल्प करेगी हैमस्ट्रिंग के साथ साथ। तो अगर सिर्फ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच की बात आती है तो यहां तुम्हें स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। अगर स्ट्रेच महसूस नहीं हो रहा तो तुम थोड़ा सा दीवार की तरफ और आगे बढ़ सकते हो, और फिर अपनी टांगे सीधी करने की कोशिश करो। अगर स्ट्रेच और भी बढ़ाना है तो अपने जो तुम्हारे पंजे हैं टांगों के उन्हें नीचे की तरफ खींचो, उससे फिर तुम्हारा स्ट्रेच और भी बढ़ जाएगा। तो ये हो गए भाई, कितने स्ट्रेच हो गए अभी तक, तीन स्ट्रेच हो गए। जो तुम्हारा चौथा स्ट्रेच है उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, झुके हुए हो, दोनों घुटने थोड़े से मुड़े हुए हैं, एक पैर जो तुम्हारा है जिसकी हैमस्ट्रिंग तुम्हें स्ट्रेच करनी है वो आगे की तरफ बढ़ा दो।
ठीक है, ये मेरा घुटना पूरा का पूरा सीधा रहेगा, पीछे वाला मेरा मुड़ा हुआ है, और फिर तुम आगे की तरफ लीन करने की कोशिश करो। इसके अंदर भी लोग वही गलती करते हैं, बैक मोड़ के तो मैं जमीन छू दूंगा, लेकिन ऐसे जमीन छूने का कोई फायदा है नहीं। तो अब तुम्हारी बैक सीधी रखो, फिर आगे की तरफ लीन करो, इससे तुम्हारी हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेच होंगी। और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग जिम जाते हैं, रनिंग करने वाले लोगों को तो खासकर, क्योंकि उनके क्वाड्स ओवर डेवलप्ड हो जाते हैं, जो कि मसल्स हमारे थाई के आगे की तरफ होती हैं, और उनकी हैमस्ट्रिंग्स अंडर एक्टिव होती हैं, जिनकी वजह से वो धीरे धीरे टाइट होने लगती हैं और फिर टूट जाती हैं। तो जितने भी तुम अगर रनिंग करते हो तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, जिम करते हो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। बैक पेन है, चांसेस हैं कि तुम्हारी हैमस्ट्रिंग की वजह से ही तुम्हारा बैक पेन हो रहा है, तो भी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना जरूरी है। और अगर तुम्हारे लोअर बैक में पेन है तो ये बैक वाली वीडियो जो का जो स्ट्रेच है ये जरूर देखें, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।